भाई ये पहलगाम की एक नहर है जो कि बहुत खूबसूरत है, और इसकी आवाज़ क्योंकि एक दिल को सुकून देने वाली आवाज़ है। तेज बर्फ को देखते हुए हमें डाकू का रूप धारण करना पड़ा। अरे मौलाना, मुल्ला जी, वो बर्फ लग रही यार बहुत तेज। भाई यहाँ पे काफी देर रुके हम झील पर, फोटो वीडियो वगैरह बनवाई यहाँ पर, और अब क्या हो गया, डर लग रही है। अब यहाँ पे जो है ना स्नो पड़ने लगी है दोबारा से, और बहुत तेज हवा बढ़ रही है। कैसी? तो इस वक्त जो है हम मेन पहलगाम एरिया में हैं, और मतलब बर्फ पड़ने के बाद तो मैन हो या फिर पीछे विलेज एरिया हो या पहाड़ी, जहाँ भी चले जाओ जिधर चाहे खूबसूरती खूबसूरती है, वही वाली बात है। जैसे तुम्हारा भाई देखो कितना खूबसूरत लग रहा होगा इस वक्त, है ना, दिखा दो। जैसे अनस भाई इतने खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ माशाल्लाह। कहो नजर मत लगा दियो, कभी नजर लगा दो यार। ये देखें भाई, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है सब, और पीछे सब व्यू है। ये देखें भाई, ये यहाँ की नहर है, इधर से जा रही है इधर को। भाई ग्लव्स के अंदर भी उंगली सुन पड़ी है। यहाँ पे कश्मीर में ना सब लोग इस तरह से अपने जुबे में रखते हैं, सारे कश्मीरी लोग। ये विंटर वाइब है। हाँ विंटर वाइब है। ये सब हमारे कश्मीरी भाई बैठे हैं, वो तो देखा है मूवी में, ये जवानी है दीवानी। आप पहलगाम से हो? भाई ये पहलगाम की एक नहर है जो कि बहुत खूबसूरत है, और इसकी आवाज क्योंकि एक दिल को सुकून देने वाली आवाज है। तो इस पे ना अभी फोटोज वीडियोस वगैरह बनाई थी, फोटोज क्लिक करे हैं, वीडियोस वगैरह शूट करी हैं रील्स के लिए, तो वो सब जो है आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी देखें एक बार और व्यू दिखा देता हूँ मैं, देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखें यार, तो ये इसके ऊपर पुल है जिस पर अभी हम आए थे, जो कि मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ही। तो अब हम नीचे हैं, और ये सब ये पीछे हमारे दोस्त खड़े हैं, और ये एक हमारे भाई खड़े हैं। ये नहीं, ये दुश्मन है, लेकिन ये सही दुश्मन है, इन्होंने हमारी अच्छी फ़ोटो वीडियो क्लिक करी, और इनसे कुछ नहीं आता, बस इनसे फ़ोटो क्लिक करवा लो, वीडियो बनवा लो, बस और कुछ नहीं। पता नहीं क्या हिसाब है इनका, नंगे हो जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे दोबारा बादल वगैरह जो है आने लगे हैं, और स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल कोहरा जो है अब ढक चुका है यहाँ पे, और स्नोफॉल्स भी जो है अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। देखें ऐसे तो नहीं पता चल रही होगी, देखें यहाँ पे पता चल रही है, धीरे धीरे करके अभी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। भाई यहाँ पे काफी देर रुके हम झील पर, फोटो वीडियो वगैरह बनवाई यहाँ पर, और अब क्या हो गया, डर लग रही है। अब यहाँ पे जो है ना स्नो पड़ने लगी है दोबारा से, और बहुत तेज हवा बढ़ रही है, देखो जिसकी वजह से हाथ भी बिल्कुल लाल होना शुरू हो गए हैं, सुन हो रहा है, सुन अकड़ने लगे हैं। अब सामान वगैरह उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, अरे पैर तो वैसे गायब हो गए हैं। ये देखो ये बैग्स पड़े थे हमारे, हैंड बैग्स लेकर आए थे ना, वो जैकेट वगैरह यहाँ पर डाल दी थी, वो सब भी स्नो में होना शुरू हो गई हैं। हाथ चलाते रहो भैया, दया बन जाओ दया। भाई अब जो है झील से आ चुके हैं, और अब यहाँ पे टिक्का खा रहे हैं, चिकन टिक्का। चलो भाई फाइनली जो है हम रूम पर आ चुके हैं, होटल पर आ चुके हैं, और अब अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखें, ऐसा लग रहा है सफेद चादर डाल दी है, नीचे मुर्दे लेटे हैं।
पर ऐसा नहीं है, नहीं लेटे हैं, ये बर्फ है। बहुत प्यारा नजारा है माशाल्लाह। चले जी सर, जी सर बात कीजिए, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम करेंगे थोड़ा बहुत रेस्ट, फिर उसके बाद देखेंगे शाम को जहाँ पे भी जाना। अनंत भाई तैयारी दिखाओ। बर्फ के अंदर जूते मोजे सब गीले हो रहे हैं बाहर, बस डबल मोजे। ये इसलिए पहनी जा रही है, मेरी पैंट आ रही है। ये इसलिए पहने जा रही है क्योंकि जो है ना पानी है ना, जो बर्फ का पानी बन जाता है वो सब जूतों के अंदर घुस जाता, पर ये जो पिन्नी है ये उससे सेव कर लेती है, मतलब प्रोटेक्शन देती है हमारे पैरों को, और इससे सुन्नी भी नहीं चढ़ती। जो कि ये देसी ट्रिक हमारे अनंत भाई ने याद करी है, अनंत भाई के अब्बू ने बताई दी है। अनंत भाई अब्बू ने बताई थी ना जी। तो भाई शाम जो है ना हम लोग आ गए थे घर पर, बाहर से स्नो वगैरह देखकर और उसमें फोटो वगैरह रील वगैरह और सब मस्ती वगैरह की थी हमने, तो वो सब करके आ गए थे हम घर पर। तो तब से जो है हम घर में ही पड़े हुए थे, अब जा रहे हैं हम खाना खाने। अब यासर भाई घर ही है यार, पैसे दिए हैं यासर भाई यार, इतने थोड़ी दिए यार अब्दुल्ला भाई यार, अरे यार यासर भाई पैसे तो इतने थोड़ी दिए हैं, तो दो दिन के लिए घर है हमारा ये। हाँ तो अब जो है अब जा रहे हैं डिनर करने, और डिनर वगैरह करेंगे जिसमें देखेंगे हल्का खाना भारी खाना देख। चले मिलते हैं बाहर ही चल के। गहरा बहुत पड़ रही, जरा देखिए अब पूरी भर गई, रोड भी भर गया अब तो, और ये देखो कितनी ऊंचे ऊंचे हो गए, टीले बन गए यहाँ पे। देखिए अभी अभी मैं पड़ी ये वाली, हाँ। ये वाली इतनी और... इतनी पहले ये कार नहीं थी, अब तेज हो गई और दोपहर से ज्यादा तेज है। बर्फ दिल को सुकून देने वाली बर्फ, हवा भी तेज चल रही है और ये बर्फ भी एकदम सामने से मुंह पे पड़ रही है। तेज बर्फ को देखते हुए हमें डाकू का रूप धारण करना पड़ा। ओके ओके, मास खाली आदमी है चप्पलों में अगर। अरे मौलाना मुल्ला जी, वो बर्फ लग रही है यार बहुत तेज। सबक दे दीजिए, सबक सबक पड़ा लग रही है आंखों में। अच्छा आंखों में लग रही है, हमारा कैप खो गया इसलिए हमें लगाना। ओके, अरे सर तो भाई अब हम आ गए हैं खाना खाने, एक गशीस मैं लोकल रेस्टोरेंट में, और अरे चुप जा, जो मैंने बोला वही है मैं सकल है। तो इसमें आए हैं और दो फुल बिरयानी हमने ऑर्डर करी है, अब देखते हैं बिरयानी वगैरह कैसी रहती है। कल जो हमने खाई थी वो तो काफ़ी शानदार थी। देखिए इंटीरियर दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, ये आ गई भाई हमारी बिरयानी, चिकन बिरयानी जो कि हमने मंगाई थी। ये रही बिरयानी यहाँ की, असल में ये मसाला बिरयानी होती है ना, ये बिरयानी है तायरी है, बोटी कहाँ है तायरी लग भाई, पीले चावल बोले ना है? पहले निकाल लो बोरी, नीचे को आएंगे तो निकाल के ऊपर को रख देंगे, सब निकाल लेंगे। ये रही मिल गई, मिल गई, तलाश पूरी हो गई मेरी, मन ने बोरी मिल गई, लीजिए निकाल। ये आ गया, कैसी सर बहुत शानदार सर, सर मुंह से बताइए कुछ सर, बढ़िया सर, बस एक वर्ड सर, सर आप हमारे मैनेजर हैं ऐसी बातें ना करें, पूरा अच्छे से बताइए, एक्सप्लोर कर दीजिए। बढ़िया है भाई, वही वही ऐड कर दिया भाई ने, वही बड़ी सस्ती जुगाड़ है यार, बड़ी सस्ती जुगाड़ है, चीनी है मीठे में, चीनी है। ये वो मिश्री डालना थोड़ी सी मिश्री, अरे ये जी क्या बदतमीजी, ये सर बात की क्या हो गया, माल हो जाए
हमारे मैनेजर आ गए खाना खाकर और आप जो है ना रूम पे जा रहे हैं। चलो क्या करना है? अरे तूने कैसे पकड़वाया है, डबल क्यों करवाया? हम तो भाई साफ कर रहे हैं, ये किसी के टोपे लग गया। अरे भाई मेरा लैपटॉप की दुकान दिया तुमने, इस पे अभी चढ़ जाओगे? भाई साहब यहाँ की जो पाइपलाइंस हैं उसमें पानी जम गया है, तो इस वजह से अलग से पानी मंगाना पड़ रहा है। तो देखो गाइस ये हमारा बेड बिल्कुल तैयार हो चुका है जिसपे मैं और अनस जो है लेटेंगे अभी। तो अनस भाई तकिए दो आ गए। अरे हम एक ही तकिए पे सोंगे अनस भाई, यार क्यों फिकर कर रहा हो? क्या कर रहे हैं आप? तो ये देखें इतनी प्रोडक्शन के साथ हम बाहर फिर रहे हैं। ये पैंट, पैंट के नीचे लोअर और लोअर के नीचे जो है वो गरम वाला क्या कहते हैं उसे, पजामिया इनर। इनर तो ऊपर वाला होता है ना? नहीं पजामा वाला इनर। अच्छा जी सर क्या करना है? गेट बंद करना है, हमसे तो आते नहीं, कैसे होता है? थोड़ा आगे करके यूं? ये कैसे किया? अमाज भाई ने सिखाया हमें अभी अभी। जी सर वो पावर बैंक दे दीजिए। इन्हें पावर बैंक दीजिए। अनंत भाई क्या कर रहे हो ये? अनिल भाई अपने सर पे खुद ही हाथ रख रहे हैं, ये तो किसी और के साथ। तुम लोगों ने इतना सिर में दर्द कर दिया कि मशीन लेनी पड़ गई। अनिल भाई हमने क्या सर में दर्द कर दिया यार तुम्हारा? यार हम तो तुम्हारा सहारा थे, तुम कह रहे थे मैनेजर के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है। हमारे मैनेजर इस प्रेशर के चक्कर में मैनेजर के बाल झड़ गए। कितने झड़े मैं दिखाइएगा आप देखिए। अभी इनके एंजॉय के लिए अभी मूवी भी लगाई जा रही है टैप के अंदर। अगर फिर भी एंजॉय ना हो तो मेरे पास लैपटॉप पड़ा है उधर। ठीक है ओके। हमारे मैनेजर साहब मालिश कर रहे हैं अपनी। दरअसल ये हमारे मैनेजर साहब कैसे बने हम आपको बताते हैं, इसके पीछे की कहानी। आइए यासर भाई गले में आ जाइए गले में। तो हमारे मैनेजर साहब ये ऐसे बने। कैसे बने? ये है साइंस के स्टूडेंट, ये साइंस। फिर भी ये गलती से इन्होंने साइंस ले ली। साइंस ने इनकी ले ली जिंदगी, तो ये बर्बाद हो गए। फिर हमारे साथ आ गए वापस कॉमर्स। इन्हें कॉमर्स में ज्यादा नॉलेज है क्योंकि कॉमर्स वालों के साथ रहते हैं, तो उसमें ये अकाउंटेंट जो है अकाउंटेंट का रोल प्ले करते हैं, हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं। इसी हिसाब से मैथमेटिक्स इनके पास थी सर। जी 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 हम सबने इकोनॉमिक्स ली। जी 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 अब हम ट्रैवलिंग करने आए तो हमें चाहिए था एक मैनेजर। हमने अपनी जो है पोस्ट निकलवाई, मतलब हमने अखबार में निकलवाया मैनेजर चीज। इन्होंने जो है रेज्यूम लेकर आई है हमारे पास, हमने इसको पास कर दिया है ना यादव भाई? ये पास होगा। इन्होंने एंट्रेंस अच्छा दिया, वो बात अलग है। ये हकला रहे थे एंट्रेंस देने में, फिर हमें बाद में पता चला ये ऊपर का कॉलर का बटन लगा के आए थे इंटरव्यू में, इसीलिए ये पास हो। भाई की सैलरी कितनी थी? इनकी सैलरी जो है वो ये हमारे साथ ट्रिप पे फ्री रहेंगे। अरे ये बोली, अरे ये बकरी बोली। सारा हम करेंगे इनका, हम करते सारा खर्च। करेगा चारों करेंगे ना, चारों की गारंटी ले। मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, अनंत भाई का खर्चा कर सकता हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है, मैं मैनेजर बनूंगा। मैं बनूंगा, मेरा करो। नहीं नहीं अब तो कर दिया, हो गया जो होना था। चल कोई हिसाब तो कर दो, दो दिन से हिसाब पेंडिंग पड़ा है। अनंत भाई हमारे बहुत अमीर आदमी है, सबसे ज्यादा तुम्हें देने। अनंत भाई हमें देने? नहीं यार हम देखे, हमने पहले दे रखे। हाँ मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं, नहीं तो मुझे बता, तुम मुझे पेल दोगे। वो आएगा माज, उसका पूरा ना भी ना मिलता कहीं पे। कोई बात नहीं है, कोई बात तो है नहीं, खर्चा तो हो रही है। नहीं खर्चे की क्या बात है अनस भाई, तुमने मुझसे सुबह 10,000 रुपए लिए नहीं लिए? एक बार में देखे तुमने? काट दूंगा इसके आगे की लाइन में।
अनिस भाई ये टांग पे क्यों आप मसाज कर रहे हैं? आज पता कितना पैदल चले हम लोग, तो पैदल तो सभी चले हैं। ये देखिए सर, यहाँ पे मसाज होने जा रही है। अनस सैलून वाला, अनस नाई वाला आ गया है। यहाँ किसी और चीज की आवाज थी क्या? वाह, अच्छा सुकून मिल रहा है क्या? बहुत ज्यादा। या आपकी आवाज में क्यों आ रहा है क्या? फलकम आ गया आपको? अनस भाई हमें भी करवानी कर देंगे जीप। गाइस उंगली देखिए कितनी तेज थी। ये देखें। हाँ 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 हाँ। चलें गाइस, ये अनस भाई के मसाज करने जा रहे हैं। इनकी आगे देखिए, आगे कैसी कैसी कर रही हैं। नशीली आगे कर ली है इन्होंने, ऐसे तो कुछ हो भी नहीं रहा है। तुम बैठे गलत हो, अब सही। ओके, एक जगह पर लगा के रखा है भाई। रिमोट तो नहीं, रिमोट कहाँ है? रिमोट टीवी तो बंद है, रिमोट कहाँ रखा? भाई कैसा लग रहा? अनस भाई को कुछ मजे आ रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ा ली अनस भाई ने। देखो यू करके, ऐसे करके। बुल्ला भाई कैसा लग रहा? अरे किसने बनाया ये मुजस्समा, किसने बनाया? इनके इस जगह पर रखो, इस जगह पे पकड़ ले गर्दन। गाइस हमने जो ली थी इसलिए ली थी ताकि जो है हम थक जाएं बर्फबारी में, या चलते चलते थकान हो जाए, तो इसलिए हमने ली थी। थकान पूरी होने का, बोलने तो दे मेरे बाप। आ मुझे ऐसा देखा, फिर मैंने यूं देखा, शायद थकान उतर गई। गलत जगह पे मसाज कर रहा हूँ, ऊपर कुछ लाओ। ये बैठे गलत जगह, मुकाम खास पे बैठे हैं ना ये। अब गर्दन यूं पकड़ ले, यूं यूं। हाँ शोल्डर, आए है लग रही है आज बाइसेप आ जाएगा, जैसे जैसे ये बाइसेप पे आ रही है सारी बाइसेप की एक्सरसाइज हो जाएगी। ओह गाइस, इधर हमारे जुनैद भाई को दौरे पड़ गए, दौरे। तो गाइज अब हम जा रहे हैं सोने, इंशाल्लाह कल को आपसे मिलते हैं। और इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं। अगला ब्लॉग जो आएगा इंशाल्लाह श्रीनगर का आएगा, तो हम श्रीनगर में जाएंगे, वहाँ पर आपसे मिलेंगे। बाय बाय।